किताब का टाइटल पेज है जिस दे विच बंदा सिंह बहादुर नूं बंदा बैरागी लिखिया है और वीर हकीकत राय नूं भी हिंदू साबित किया गया है। बंदा सिंह बहादुर कौम का वह जरनैल है जिहड़ा कदी दखण नदेड़ दे विच रिधियां सिधियां दे विच फस के एक बैरागी दे रूप दे विच बैठा सी। जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस कोल पहुंचे और उसने गुरु साहब के दर्शन किए, गुरु साहब ने उस नूं हिंदुस्तानी जनता उपर हो रहे जुल्मां दे बारे दस्या। उस वेले बंदा सिंह बहादुर गुरु साहब दे कोलों अमृत की दात लैके बंदा सिंह बहादुर बनिया। गुरु पातशाह ने इस नूं अपने पंज तीर बख्शे, कुछ सिंघां नूं नाल भेज के इस नूं पंजाब दे विच्चों जुल्म दा राज खत्म करन दे वास्ते भेजिया। जदों बंदा सिंह बहादुर दिल्ली दे नेड़े पहुंचिया तां इस नूं पता लगा कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ज्योति जोत समा चुके ने। इहदे मन दे विच सिख शहादतां घुमदियां रहियां, पर इन्हां वल्लों RSS ने एक किताब प्रकाशित कीती जिस दे विच इह सिद्ध कीता गया कि बंदा सिंह बहादुर नूं गुरु पातशाह ने बिना अमृत छकाउण तों अपने शस्त्र दे दित्ते। इस बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद नूं फतेह कीता और दुनिया का पहला ऐसा जरनैल है, सिखां दा ऐसा जरनैल 8 साल जिसके घोड़े दीआं टापां ने पंजाब दी धरती दे उपर अपने निशान छड्डे ने। इह तखत ते नहीं बैठा, इसने अपने सिर ते कलगी नहीं लगाई, इसने संमत भी जारी कीती ते गुरु नानक दे नां दी जारी कीती। इसकी मोहर के उपर इसका अपना नाम नहीं सी लिखिया, बल्कि इसने लिखिया सीगा देग तेग फतेह नुसरत बेदरंग याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह। यह मनुख गद्दी ते नहीं बैठा, और जिस वेले इस नूं गुरदास नंगल की गड़ी दे विच्चों गिरफ्तार कर लिया गया उस वेले इस दे नाल 3.5 साल का इसका बच्चा अजय सिंह सी। कुछ इतिहासकार लिखते ने कि 15 दिन उस बच्चे नूं रोटी ना मिली क्योंकि 7.5 महीने गड़ी नूं घेरा पिया रहा। एक दिन शाम का समय है, बंदा सिंह बहादुर उस गड़ी दे विच घूम रहा है और 3.5 साल का बच्चा अपने पिता वल वेख के कहिंदा है पिता जी रोटी। बंदा सिंह बहादुर ने उस वेले जवाब दिता है, कहिंदा तू सिखां दे जरनैल का बच्चा है और सिखां दे जरनैल दे बच्चों दीआं भुखां मैदाने जंग दे विच बुझदियां ने जां शहादतां दे के बुझदियां ने। 3.5 साल का बच्चा इस गल नूं समझ ना सकिया। अखीर दसंबर 1716 दे विच बंदा सिंह बहादुर दे नाल दे 740 सिखां नूं गिरफ्तार कर लिया गया। जदों रस्ते दे विच मुसलमान गिरफ्तार करके इन्हां नूं लई जा रहे सन तां कमरुद्दीन मीरा तशनान दे एक मुसलमान जरनैल ने खान बहादुर जकरिया खान नूं कहा कि बादशाह की सोचेगा कि केवल 700 सिखां ने 7 महीने तक तुहाडा मुकाबला कीता है, इस करके सानू पंजाब दे विच्चों होर भी नौजवानों नूं फड़ के कतल करिए। जनतक तौर पर जिथे जिथे भी सिख नजर आए उन्हां नूं कतल करना शुरू कर दिता गया। उन्हां दे सिर नेजियां ते टंग के 700 गड्डे सिखां दे सिरां दे भर के 3000 सिखां दा सिर उस वेले नेजियां ते टंग के 29 फरवरी 1716 नूं, क्योंकि 1716 लीप ईयर सीगा, लाहौरी दरवाजे दे राही दुनिया दा ए बड़ा अनोखा जलूस दिल्ली शहर दे विच शामिल होया। रोजाना 100 सिखां नूं कतल कीता जाण लगा। 2 अंग्रेज इतिहासकार उस वेले उत्थे सी जिन्हां ने लिखिया है कि असी रोज 100 सिखां नूं कतल हुंदा वेखदे रहे हैं, पर कोई एक भी ऐसा सिख नजर नहीं आया जिहड़ा कहिंदा होवे कि मैं इस्लाम धर्म धारण करन नूं तैयार हां, पर किरपा करके मेरी जान बख्श दिती जावे। और उस वेले एक होर घटना वापरी, एक पिंड दे विच्चों एक 18 साल का नौजवान इन्हां दे नाल गिरफ्तार किया गया। उसकी मां सरबरा खान दे कोल जाके कहण लगी, कहिंदी मेरा पुत्र सिख नहीं, इन्हूं तां मुसलमान फौज जान के फड़ के लै आई है, मेरे पुत्र की जान बख्शी की जावे। सरबरा खान ने उस वेले परवाना लिख दिता कि इस नौजवान नूं छड़ दिता जावे, इस्लाम धर्म धारण कर लवेगा क्योंकि उसकी मां कह रही है कि यह पुत्र जिहड़ा सिख नहीं है। सरबरा खान का परवाना जदों कमरुद्दीन मीर आतश दे कोल पहुंचया उस वेले जलाद इस बच्चे नूं बिल्कुल कतल करने ही वाला सी।
उस वेले उस खान ने कहा कि इस बच्चे को खत्म ना किया जाए क्योंकि इसकी मां कह रही है कि बच्चा सिख नहीं। उस बच्चे ने उस वेले ललकार के कहा कि मेरी मां झूठ बोलती है, ए जलादा तू भी अपने काम दे विच देरी ना कर ते मैनू भी अपने काम दे विच देरी ना करन दे, तू अपनी तलवार चला ता कि मैनू अपने शहीद भरावां दी कतार दे विच छेती खड़ा कर दे, ये मेरी मां नहीं, मेरी मां झूठ बोलती है, मैं ते गुरु का सिख है और मैं तो धर्म नहीं छड़ना, शहीद होना है। अखीर जो आखिरी दिन सी शहादतां दा 9 जून 1716 फरकसियार गद्दी दे उपर बैठा है और बड़ा वंगार के कहिंदा है, कहिंदा उह सिख जरनैलो मैं सुनिया सी तुहाडे विच बाज सिंह नां दा इक बड़ा तगड़ा जरनैल है जिस तो सारी मुसलमानी फौज कंबदी है, केड़ा है? उस वेले बाज सिंह ने कहा कि मैं गुरु का नमाणा सिख है, मैनू बाज सिंह आखदे ने। फरकसियार ने कहा मैं तो सुनिया सी तू बड़ा दलेर है, अज कित्थे गई है तेरी दलेरी? कहिंदा राजा जां तां मेरे पैर दी इक हथ बेड़ी खोल दे ते जां मेरे हथ दी इक हथ कड़ी खोल दे, फिर मेरी दलेरी वेख ले। मुहम्मद कासम लाहौरी अपने इबरतनामे च लिखदा है कि उस सिख सिपाही दी एक हथ कड़ी नूं खोल दिता गया और उस बाज ने बाज वांग चपटके नेड़े खड़े सिपाही दी कृपान खो के 13 मुसलमान सिपाहियों नूं मौत दे घाट उतार दिता। और फरकसियार जिहड़ा जिहड़ी तुसीं तस्वीर वेख रहे हो ये आप अपने तखत तो भज के अपनी मौत तो बच सकिया। अखीर बंदा सिंह बहादुर नूं शहीद करन दा दिन आ गया। बख्तियार काकी दी दरगाह दिल्ली दे विच है, ख्वाजा बख्तियार काकी, उस दी दरगाह दे नेड़े बंदा सिंह बहादुर नूं शहीद किया जाण लगा। उत्थे बैठा सी कमरुद्दीन मीर आतश हुक्म किया कि बंदा सिंह बहादुर तू अपने बच्चे दा अपने बच्चे दा सीना खुद चाक करेगा। बंदा सिंह बहादुर ने कहा सी मजलूमां ते मासूमां ते बच्चियां ते जुल्म नहीं करदे। उस वेले बंदा सिंह बहादुर दे 4.25 साल दे सपुत्र अजय सिंह दा सीना चाक किया गया, उहदा दिल कढ़िया गया और बंदा सिंह बहादुर दे मूंह दे विच पाया गया और गुरु का यह सूरमा अडोल रह के शहीदी प्राप्त कर गया सिखां दा ओ जरनैल जिसने सब तो पहला सिख राज की स्थापना की, जिसके घोड़े दियां टापां अज भी पंजाब की धरती ते गूंजदियां ने, पर उस जरनैल की बहादुरी और उस जरनैल के कारनामों नूं मिट्टी दे विच रोलण दे वास्ते इन्हां सिख विरोधी जथेबंदियां वल्लों बंदा सिंह बहादुर की यह तस्वीर प्रकाशित की गई जिस दे विच उसकी दाढ़ी कट्टी हुई सी, उसके सिर के उपर टोपी पाई हुई सी, उसकी टोपी के उपर तरशूल का निशान सी, उसकी छाती के उपर ओम का निशान सी, उसके हाथ के विच शिवसेना का झंडा फड़िया होया सी और हेठा एक श्लोक लिखिया होया सी कि बंदा बैरागी हिंदुआं का वह महान जरनैल है जिसने निराश हो चुके गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बच्चों का बदला लिया। सो गुरु सवार्यो इस दे नाल नाल ही RSS वालों कुछ ऐसिया किताबा प्रकाशित कीतिया गई जिन्हां दे विच साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं गौ पूजक दर्शाया गया। इत्थों तक ही सीमित नहीं, कुछ ऐसिया मनकड़क धारनावां जिहड़ियां सी उह पबलिश कीतिया गई जिन्हां दे विच लिखिया गया कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का इस दुनिया ते आउण दा मकसद केवल गऊ दी रख्या सी और इस दे वास्ते उन्हां ने गुरबाणी दी बेअदबी भी कीती। असीं रोज गुरबाणी च पढ़दे हां पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। इत्थे एक गाय नूं माता दे रूप दे विच विखाया गया और एक सिख नूं वछे दे रूप विच विखा के उस दे उपर अंकित की